In this video, we will be talking about chemical kinetics. पहले हम chemical kinetics को define करेंगे कि ये होता क्या है. The branch of chemistry which deals with the speed or rate at which a chemical reaction occurs, factors affecting the rate and the mechanism of a reaction is called chemical kinetics. Chemistry के वो branch जिसमें हम ये देखें कि reaction जो है वो किस speed से हो रहा है या रिएक्शन के स्पीड पर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो असर अंदाज होते हैं, या हम ये देखें कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब वो एक स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. अब केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ऐसा है कि देखिए, अगर आपके पास एक कैंडल है और वो पड़ी हुई है हवा में, तो वो इसी तरह से पड़ी रहेगी जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं. जब तक आप उसको जला लेंगे तो फिर क्या होगा कि एयर की मौजूदगी में वो बर्न होती जाएगी. इसी तरह से अगर आपके पास कोई बंद कमरा है और उसमें गैस जमा हो गई है, आप वहां पर तीली जैसी लगाते हैं तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा फास्ट है. इसी तरह अगर आप देखें कोई लोहा आपके पास है और वो पड़ा हुआ है मॉइस्चर में और एयर में, तो उसको रस्ट लगेगा. लेकिन रस्ट ऐसे नहीं लगता कि आप एक दिन में आपका दरवाजा है या जो कोई भी मेटल का पीस है वो एकदम से पूरा रस्ट हो गया. वो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस होगा, इतने आस्ता कि आप जो है उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि ये काम जो है वो हो रहा है. लेकिन अगर आपके पास पाउडर्ड फॉस्फोरस हो और वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ जाए तो फौरन से जो है जल जाता है. अब ये सारी चीजें क्या है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन है. किसी रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है, कोई जो है वो स्लो हो रहा है. अब हमें क्या जरूरत है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने की. बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हमारे हैं उसमें जो चीजें बनती हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती हैं. मुख्तलिफ केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, जो कोई कंपाउंड जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं. अब अगर उस रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा स्लो हो तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा. लेकिन अगर आप रिएक्शन तेजी से हो रहा है तो कम टाइम में आप ज्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे और आमदन जो है वो ज्यादा होगी. इसी तरह से अगर फैक्ट्रियाज इंडस्ट्रीज सारे में जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लोहे हवाया से बना होता है, तो अगर लोहे में जंग जो है उसको प्रिवेंट किया जाए कि जंग ना लगे, तो उससे भी बहुत सारे नुकसान से हम बच जाएंगे. तो ये सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. लेट अस सपोज वी हैव अ रिएक्शन इन विच ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव अस प्रोडक्ट्स. कोई भी दो केमिकल्स हैं ए और बी, आपस में रिएक्शन करके हमें कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं. अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखना चाहें, मींस ये रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे. रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और इट मींस चेंज के आपका जो ए की कंसेंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया. इनिशियली आपने जो ए लिया था, जाहिर जब वो रिएक्शन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट आया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा. तो उसमें चेंज कितना आया विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, वक्त के साथ साथ उसमें कितना चेंज आया, तो ये इस रिएक्शन का रेट होगा. इसी तरह से ये तो रिएक्टेंट ए के हवाले से हमने लिख दिया, इसको हम रिएक्टेंट बी के हवाले से भी लिख सकते हैं. चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. अब यहाँ पर एक और बात जो काबिले गौर है, दैट इज दिस माइनस साइन. माइनस साइन हम क्यों शो कर रहे हैं, इट शोज द डिक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वक्त के साथ साथ इसकी कंसेंट्रेशन में कमी आ रही है.
अब इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगा दिया है। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन। यहां पर एक कॉन्स्टेंट है दैट इज के। अब ये जो के है दिस इज कॉल्ड एज द रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वेयर एज दिस एम एंड एन आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन दिस रिएक्शन। अब एम और एन जो है उसकी वैल्यू 0, 1 या फ्रैक्शन में जो है वो हो सकती है। The rate for this reaction can also be written as del x. Del x means the small change in x with respect to del t, with respect to small change in t. अब अगर हम product को x से represent करें तो वक्त के साथ x कितना बन रहा है या x की concentration में कितनी change आ रही है, that is equal to k into concentration of A into concentration of B। अब अगर हमारे पास A और B दोनों की concentration unity हो, it is 1, so the rate of this reaction is equal to K 1 raised to the power M and 1 raised to the power n। यहाँ पर हमारे पास m और n भी 1-1 mole हैं, so these terms can be ignored। 1 को 1 से multiply करेंगे तो answer भी 1 ही आएगा, so we can say that the rate of the reaction is equal to the rate constant। अब जब हमारे पास concentration जो है वो unity हो, उस वक्त the rate of the reaction होगा वो velocity constant के बराबर होगा, तो इस वक्त ये जो term है this will be called as specific rate constant। Now rate expression or rate law, the expression which shows relationship between the rate of the reaction and the concentration of reacting species। वो equation या वो expression जो आपको ये बताएं कि rate of the reaction में और जो चीजें react कर रही हैं उनके concentration में क्या ताल्लुक है या क्या relationship है, तो इस तरह की जो equation है वो rate equation या rate law कहलाती है। Let us suppose a reactant A has been converted into product। अब product की concentration को हम x से represent कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि change in the concentration of x with respect to time is directly proportional to the concentration of A। x जो है वो कहाँ से बन रहा है, reactant में से बन रहा है, तो जब इसकी amount कम होती जाएगी तो इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह है कि जिस जैसे जैसे x बनना शुरू हो जाएगा a जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि dx by dt is directly proportional to the concentration of a, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं कि dx by dt proportionality का साइन हटा दें तो यहाँ पर k का टर्म आ जाएगा which is the rate constant or velocity constant into the concentration of A। अब ये जो expression है जो हमें ये show कर रहा है कि rate of the reaction और concentration of the reacting species में क्या ताल्लुक है, this is called as the rate expression or rate law।
Now coming to the order of reaction. The order of reaction is defined as the sum of the exponents of the concentration terms of the reactants in the rate expression of reaction. क्या मतलब है कि अगर रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हैं उसकी जो पावर्स हैं उनका सम ले लें तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा. अगेन लेट अस सपोज वी हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, दे रिएक्ट टू गिव अस सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट. नाउ द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन वुड बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी is equal to k into the concentration of a into concentration of b. अब इसकी जो पावर है this is m और इसकी n. अब जब इस रिएक्शन का ऑर्डर हम लिखेंगे that would be equal to m plus n. मतलब ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं इनकी जो पावर्स हैं उनका सम उनको हमने ऐड अप कर लिया है तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें तो जो आपके पास ए और बी है दोनों की कंसेंट्रेशन 1:1 है तो m भी 1 है और n भी 1 है. वी कैन राइट 1+1 सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 2. इसी तरह से अगर हम इसको कर लें कि 2a+b तो अब क्या हो गया कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है वो 2 होगी तो यहाँ पर m की जगह यहाँ पर 2 आएगा और n की जगह 1. फिर जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 2+1 आएगा एंड 2+1 is 3 सो देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. First, coming to the first order reaction, let's suppose we have a reaction in which a bromine molecule decomposes to give us two bromine atoms. एक bromine molecule जो है वो decompose होके दो bromine atoms बना रहा है. अब इस reaction का जो rate होगा, that will be equal to dx by dt. is equal to k. अब रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में? ब्रोमीन. सो द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन विल बी रिटन हियर Br2. अब इसकी पावर 1 है तो मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल रेडियम is showing a radioactivity. It is giving out a helium particle or alpha particles and being converted into radon. Radon जो radium जो है उसमें से एक helium particle जो है वो निकल रहा है और radon में वो convert हो रहा है. अब इस reaction का जो rate होगा that would be dx by dt is equal to k. अब reaction में हमारे पास क्या है? सिर्फ जो है वो radium है और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है तो यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं आएगा मींस 1 मोल है. सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ लुक एट दिस थर्ड एग्जांपल. नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होके नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दे रहा है. इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू k इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड दिस इज आल्सो रेज्ड टू द पावर 1. इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी. एज वी हैव सीन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट है व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज dx बाय dt इज इक्वल टू k इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ a. अब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इसकी अगर आप यहाँ पर क्या है कि एक जो है वो x है, x is a product, तो वो भी कोई अमाउंट आपकी बनेगी तो उसकी जो यूनिट्स होंगे वो कंसंट्रेशन होंगे
कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोल्स पर डीएम क्यूब है, तो डीएक्स की जो यूनिट्स है दैट इज मोल्स पर डीएम क्यूब, और उसके नीचे इट इज डिवाइडेड बाय द टाइम, सो टाइम के जो यूनिट्स हैं दैट कैन बी इन सेकंड्स आवर्स या मिनट्स में हो सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सेकंड्स ले लेते हैं के, और इस साइड पे जो कंसंट्रेशन टर्म है तो इसकी भी यूनिट जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब होंगी। अब मोल्स पर डीएम क्यूब इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है, सो दे विल कैंसिल आउट और आपके पास सिर्फ सेकंड रह गए हैं, लेकिन ये वन बाय सेकंड है, वन बाय सेकंड इज इक्वल टू के, तो वन बाय सेकंड को हम लिख सकते हैं पर सेकंड, सो द यूनिट्स ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी पर सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज मोस्टली आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, इट इज पर सेकंड। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेट सपोज वी हैव अ रिएक्टेंट ए, टू मोल्स ऑफ इट व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्शन के लिए रेट वुड बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ a, लेकिन अब रिएक्शन में देखिए कंसंट्रेशन जो a है उसके टू मोल्स हैं, सो इट विल बी रेज टू द पावर टू, हम यहाँ पर टू लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये जो पावर है कंसंट्रेशन की वो टू है, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, या हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल, नाउ इन दिस एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेस टू गिव अस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी रिटन एज dx बाय dt इज इक्वल टू k NO2 raised to the power 2. So this is a second order reaction. MCQs में कभी इस तरह से भी आ जाता है कि आपको जो है वो reaction दिया होता है और options में उसका rate लिखा होता है कि आप बताएं कि इसका rate जो है वो किस तरह से होगा। अगर आपको ये reaction दिया हुआ है और मुख्तलिफ options दिए हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस reaction का rate किस तरह से लिखा जाएगा या rate expression किस तरह से होगी। Next, the hydrogen iodide decomposes to give us hydrogen and iodine. For it, the rate of reaction would be dx by dt is equal to k hydrogen iodide raised to the power 2. अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें क्या था कि एक ही रिएक्टेंट था और उसके दो मोल्स थे, लेकिन हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं होता, आपके पास ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कि दो मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स ए और बी जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दें, क्योंकि दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वन वन है, तो जब इनको ऐड कर लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के concentration of A into concentration of B. अब इसका power भी one है, इसका power भी one है, दोनों add up हो जाएंगे, तो it is a second order equation. Let's suppose we have hydrogen and iodine. दोनों जो हैं वो आपस में react करके हमें two moles of hydrogen iodide दे रहे हैं। अब ये तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, और दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वन वन है, सो द रेट वुड बी रिटन एज डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, तो दिस इज आल्सो अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए जो यूनिट्स हम के डिराइव करेंगे
dx by dt, x जो है वो concentration है, तो its units will be moles per dm cube. टाइम जो है वो सेकंड्स में है, एक हम इसकी यूनिट्स मालूम कर रहे हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट इज मोल्स पर डीएम क्यूब एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज आल्सो मोल्स पर डीएम क्यूब. अब यहाँ पे जो एक कंसंट्रेशन है मोल्स पर डीएम क्यूब वो दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास मोल्स पर डीएम क्यूब और एस जो है वो रह जाएगा. अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को, क्योंकि हमें के की यूनिट्स मालूम करने हैं, तो इस टर्म को हम इस साइड पे ले आएंगे. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ये डिवाइड में आ जाएगा. इट विल बी मोल्स पर डीएम क्यूब इंटू एस इज इक्वल टू के. अब मोल्स और सेकंड के जो यूनिट्स हैं वो पॉजिटिव में है जबकि डीएम क्यूब के वो नेगेटिव में है. तो नेगेटिव वाले जो यूनिट्स हैं इसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर ले जाएं, तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगी. तो यूनिट्स हो जाएंगे डीएम क्यूब पर मोल्स पर सेकंड, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. यहाँ पर डीएम क्यूब पर मोल, पर मोल की हम माइनस वन लगा दें, पर मोल और पर सेकंड. So that's the units for the rate constant of a second order reaction. Now coming to the third order reaction, let us suppose we have three reactants A plus B plus C and they react with one another to give us the product. ये आपस में react करके हमें ये product दे रहे हैं. अब इसके जो रेट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे दैट वुड बी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ सी. अब इन सब के पावर्स 1, 1, 1 है, तो इसको जब हम ऐड अप कर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3. सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सिमिलरली अगर हमारे पास इस रिएक्शन में तो क्या था कि हमारे पास तीनों जो रिएक्टेंट्स थे वो डिफरेंट थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये रिएक्शन इस तरह से हो ए प्लस टू बी, मीन्स ए के जो है वो वन मोल है और बी के जो है वो टू मोल्स हैं, तो स्टिल इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इसका जो रेट होगा दैट वुड बी डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर टू. तो इसका पावर वन इसका टू दोनों का ऐड करेंगे तो इट विल बिकम अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सिमिलरली इफ वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट एंड इट्स थ्री मोल्स आर रिएक्टिंग टू गिव अस द प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट है ए जिसकी तीन मोल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन वुड बी डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के A raised to the power cube or 3. So this is a third order reaction. Now let us solve an example. This is a reaction in which 2 moles of nitric oxide are reacting with 1 mole of oxygen to give us 2 moles of nitrogen dioxide. Ab iske liye jab hum rate expression likhenge, so that will be equal to dx divided by dt is equal to
पहला रिएक्टेंट क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और उसकी 2 मोल्स हैं, तो ये जो 2 है ये इसका पावर बन जाएगा। दूसरा रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए इस साइड पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, मीन्स इसके 1 मोल्स है, तो हम इसको ऐसे ही रह दें, रेड में देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 2 + 1 = 3, सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर इसी रिएक्शन में से हम इसको फाइंड आउट कर लें, तो लेट्स सी, dx/dt इज मोल्स पर dm³, और टाइम के जो यूनिट है वो सेकेंड है। ओके, अब नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज मोल्स, जब भी कंसेंट्रेशन होगी ज्यादातर वो मोल्स पर dm³ में दी गई होती है, और इसका जो पावर है वो 2, इसी तरह ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज मोल्स पर dm³। अब इसमें क्या होगा कि मोल्स पर dm³ इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मोल्स पर dm³ रह जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये यूनिट्स हमने k के लिए निकालने हैं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरे साइड पे आके ये इधर आ जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है, और अलग अलग भी लिख सकते हैं कि मोल स्क्वायर इंटू dm³ और इसको स्क्वायर लगा दें इस तरह से इज इक्वल टू के। अब ये फिर से नेगेटिव में है तो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम dm³, नेगेटिव का साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, इंटू स्क्वायर सेकंड मोल्स स्क्वायर। सो रेट